जैसे जैसे विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला और धार्मिक मेला शुरू होने की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पशु मेला भी परवान पर चढ़ता जा रहा है। कल तक सन्नाटे से रूबरू होने वाले मरुधरा के रेतीले धोरों में मवेशियों की किलकारियां, प्रसन्नता, अटखेलियां और गुस्सा नजर आने लगा है। इस बार भी पुष्कर पशु मेला विस्तारित रूप में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन ताजा आंकड़ों पर नजर डाले तो पिछले वर्ष की तुलना में अब तक मेले में पहुंचे पशुओं की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। पिछली बार कार्तिक माह की छठी तक 6024 पशु आए थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या घटकर 5084 रह गई। हर वर्ष छोटे बैल और गोवंश की संख्या घट रही है। इस वर्ष भी अब तक सबसे ज्यादा ऊंट आए हैं। इसके अलावा घोड़ों का परचम भी कोई कम नहीं है। अभी तक घोड़ों में मेवाड़ी, पंजाबी और गुजराती किस्म के घोड़े आ चुके हैं। मारवाड़ी किस्म के घोड़े जमींदारों की पहली पसंद बने हुए हैं। 50,000 रुपए से लेकर 51 लाख रुपए की कीमत तक के घोड़े मेले में बिकने को आ चुके हैं। पशुपालक अपने पशु को ऊंचे दामों में बेचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। विशेषकर श्रृंगार पर ध्यान दिया जा रहा है। पशु मेले की सांस्कृतिक छटा को कैमरे में कैद कर विदेशी सैलानी भी अभिभूत दिखाई दे रहे हैं। हमारा ऊंट की कीमत कम हो गई, ये इनका कोई लेने वाला नहीं है। ये अभी बाहर जाने, राजस्थान बाहर जाने भी बंद हो गया, इसलिए अभी यहाँ का कीमत कम पड़ गई। चरना नहीं है, इनका भाव नहीं है, दूध का भाव नहीं है, बीमारियां घनी लागती है, जंगल नहीं है, इसलिए यहाँ ऊँटों का भाव कम पड़ गया। गाड़ी घोड़ा साधन ज़्यादा हो गया, इसलिए इनका भाव नहीं दिया, व्यापारी नहीं दिया, इसलिए इन ऊँटों का भाव बहुत कम पड़ गया। हमारा घर खर्चा नहीं चलता है। The culture is amazing. The people are very friendly, welcoming. We've been given a tour. We've had tea. We've seen baby camels. We've seen horses. We've seen all sorts of things going on. It's been great. I think it's really interesting. Obviously, I've never seen so many camels before. It's an amazing thing to see. And we had a lovely guide show us around. People are really nice. And had some chai too. I'd never had Indian chai before. It's a new experience. Very nice. इस बार के मेले में मारवाड़ी नस्ल का हर्ष नामक घोड़ा मेलार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर्ष के मालिक बालकदास के प्रतिनिधि का कहना है कि वो इसे 2 करोड़ रुपए में भी बेचने को तैयार नहीं है। काले रंग और अच्छी कदकाठी से सुशोभित हर्ष नामक यह घोड़ा अपने मालिक के लिए इसलिए अनमोल है क्योंकि इसके बच्चों से ही साल भर में करीब 1 करोड़ रुपए तक की आमदनी हो जाती है। हर्ष घोड़े का एक बच्चा चेतक इसी मेले में आया हुआ है, जिसकी कीमत करीब 51 लाख रुपए है। हर्ष को देखने के लिए दिन भर लोगों जमावड़ा लगा रहता है। सर, ये घोड़ा हमारे यहीं आश्रम पे पैदा हुआ था। हमारे जो गुरुजी हैं उनका आश्रम है अजमेर जिले में ही, फतेहगढ़ गांव के पास कालावड़, तो यहीं पे ये पैदा हुआ बच्चा, और उसके बाद वहीं पे बड़ा हुआ। अभी इसकी उम्र करीब 13 साल हो गई, और बहुत सारे इसने अच्छे अच्छे नामी बच्चे दिए हैं, यहाँ मेले में भी बंधे हुए हैं। एक बच्चा इसका अभी 27 लाख में बिका है, और अनमोल, जिस भाव भी हमारे गुरुजी मांगते हैं बच्चा, 2 लाख 5 लाख जो भी मांगा जाता है, अच्छे बच्चे लोग दे के ले जाते हैं। और इसने काफ़ी जो है, मतलब मारवाड़ी जो नस्ल है उसमें नाम किया है इस घोड़े को, पूरे इंडिया में और बाहर भी देशों में लोग जानते हैं हर्षवर्धन नाम को। पुष्कर पशु मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद के मद्देनजर जिला कलेक्टर के आदेश पर रविवार को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मेला मजिस्ट्रेट मनमोहन व्यास और सीओ ग्रामीण राजेंद्र त्यागी के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ ब्रह्मा मंदिर के पास अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। करीब 1 घंटे तक चली कार्रवाई में अतिक्रमण के जद में आने वाले सामान को जब्त किया गया। कंठी माला बेचने वाले दुकानदारों के अड़ियल रवैये पर पुलिस ने कुछ सख्ती दिखाई, लेकिन फिर भी उनका अस्थायी अतिक्रमण यथावत बना रहा। सड़क सीमा के अंदर जो अवैध अतिक्रमण कर रखे थे उनको दोबारा इनकी सीमा के अंदर रखा गया और अतिक्रमण को हटाया गया है, ताकि यातायात सुविधा और जन सुविधा का विस्तार हो सके। कहाँ से कहाँ तक अतिक्रमण हटाया? अतिक्रमण जो भी सड़क के किनारे किनारे से थे उसको हटाया गया है। नहीं, सभी आम जगहों से हटाया गया है, जहाँ पर भी यानी बाधक हो रहे थे यातायात के अंदर, उन सभी को हटाया गया है। मेले के दौरान ये जो रोड पे जितने अतिक्रमण है, जिससे यातायात अव्यवस्थित हो रहा है, और प्लस यहाँ पे पुष्कर में आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, उसी पर हमने आज मेला मजिस्ट्रेट के साथ SDM साहब, तहसीलदार जी और थानाधिकारी पुष्कर के और पुलिस जाब्ते के साथ जो अवैध अतिक्रमण है रोड पे जो है उसको हटाया है, ताकि मेले के दौरान सभी तीर्थ यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल सके।
अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में अजमेर जिले की प्रतिभाएं अपनी कला का जोहर दिखाएंगे। आरटीडीसी होटल में चल रही तैयारियां जोरों पर है। ई फैक्टर की ओर से यह तैयारियां पुष्कर बोल्म के कृतिक गौड को दी गई है। कृतिक ने बताया कि मेल व वेबसाइट के माध्यम से आज 10 प्रतिभाओं ने अपना हुनर दिखाया। यह सभी प्रतिभागी चयनित होने के बाद पुष्कर मेले में 9 नवम्बर को शाम को अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अच्छे गाने वाले को 10 नवम्बर को प्रेम जोशुआ के साथ गाने का मौका दिया जाएगा। पुष्कर मेले में राज्य सरकार, जिला प्रशासन और ई फैक्टर ने अजमेर जिले की प्रतिभाओं को निखारने के लिए यह मौका प्रदान किया है। अंदर 9 तारीख को हम लोग वॉइस ऑफ पुष्कर का जो सेमीफाइनल करने वाले हैं उनके लिए हमने कंटेस्टेंट्स चुने। कंटेस्टेंट चुनने के लिए उनको वेबसाइट पे pushkarmela.org पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना था और कुछ 120 सेकंड तक का ऑडियो क्लिप हमारे मेल आईडी पे सेंड करना था। वहाँ पर उनको सेंड करने के बाद चुना गया है और अभी हमने कुछ काफ़ी लोगों में से हमने कुछ चुने हमारे 10 कंटेस्टेंट और उनका परफॉर्मेंस आज होने वाला है, अपना 9 तारीख को होने वाला है पुष्कर मेला ग्राउंड में। और 10 तारीख को उनमें से 3 फाइनलिस्ट चुने जाएंगे और जो विनर होगा उसको हम लोग कैश प्राइज देंगे। और उसके अलावा विनर स्टेज शेयर कर रहा होगा प्रेम जोशुआ के साथ, जो 10 तारीख को उस कॉम्पिटिशन के बाद में परफॉर्म करने वाले हैं।